महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन साथ साथ चुनाव लड़ेंगी। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो 288 विधानसभा सीटों में से 144 सीटों के लिए बीजेपी से झगड़ रही शिवसेना फिलहाल बैक सीट पर बैठने को तैयार हो गई है। दरअसल बीजेपी ने शिवसेना को 125 सीटों का ऑफर दिया था, जिसे शिवसेना ने 135 सीटों तक खींचने के लिए बीजेपी को अल्टीमेटम भी दे दिया था, लेकिन अब लगता है कि शिवसेना 126 सीटों पर मान गई है। माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर हुई सहमति की औपचारिक घोषणा 1 से 2 दिनों में कर दी जाएगी। इससे पहले हालांकि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि अगर पार्टी को 288 विधानसभा सीटों में से 50% यानी कि 144 सीटें नहीं दी गई तो चुनाव से पूर्व भाजपा के साथ उसका गठबंधन टूट सकता है। राउत का यह बयान शिवसेना नेता और राज्य सरकार में मंत्री दिवाकर राउत के उक्त बयान समर्थन में आया था।